शाम को जब हाथ में छाले होंगे तब कहीं उनको मयस्सर दोने वाले होंगे। किसी शायर की कही हुई ये लाइन इंसानी जिंदगी पर हकीकत बनती है। वो बचपन जो खेलने और कूदने के लिए होता है, प्यारी प्यारी नादानियां करने का समय। अगर ये मासूम और छोटे छोटे बच्चे किसी चाय के होटल पे या किसी मैकेनिक की दुकान पर या फिर किसी और काम में लगकर अपने पेट की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो इसे देखकर जिंदगी खुद शर्मसार होती है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके माँ बाप इस कदर तंग हाल रहते हैं वे अपने बच्चों को किसी भी तरह कोई भी चीज नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात हुई। डेरा है मऊरानी पर में हो। अच्छा जी बताइए, आप लोग खेल दिखाते हो, कैसे दिखाते हो खेल? सफाई हाथों की जादू में। अच्छा, हाथों की सफाई है। अच्छा जी बताइए, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? धंधा है हमारा, सभी खेल दिखाते हैं, दादा चाचा नाना काका। क्या नाम बेटा आपका? अर्जुन अली। अच्छा जी बताइए, आप मऊरानीपुर में क्या करते हो? खेल दिखाते हैं। अच्छा, खेल दिखाते हो, पढ़ते नहीं हो आप? धंधा है धंधा बाप दादे का। अच्छा, खेल दिखाते हो, कैसे दिखाते खेल? ऐसा है सिक्का बोलने ले जाओ छुआने आ जाओ। और जाना कि उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है। जहाँ सरकारें सर्व शिक्षा अभियान चलाकर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं भूखे पेट की मार आज भी नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर पड़ रही है। अभिभावक बच्चों को कलम किताब की जगह कहीं होटल में तो कहीं दुकानों पर तो कहीं खेल तमाशों में देखने के लिए मजबूर है। लेकिन इस महंगाई में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी परिवार को मुहैया कराना मुश्किल है। इसके लिए वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी उम्र खेलने और पढ़ने की है उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं उन बच्चों पर जो अक्सर देखा जाता है कहीं दुकानों पर काम करते हैं, कहीं मांगते हैं, कहीं खेल तमाशे करते हैं, छोटी छोटी उम्र में उनको दुकानों पर काम करना पड़ता है, ये कहां तक जायज है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ एक मात्र शक्ति मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिर इन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए या फिर ये इसी तरीके से भटकते रहेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता राय। संगीता जी ये बताइए, आप ये कुछ बच्चे जो हैं दुकानों पर काम करते हैं, खेल तमाशे करते हैं, अलग अलग तरह के व्यापार करते हैं, क्या इन बच्चों को इस उम्र में पढ़ना चाहिए, सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी किसी कोई भी समस्या जड़ से शुरू होती है, उसके बाद वो पौधा बनती है और फिर पेड़ बनती है। ये जो समस्या है वो आज के समय में ऐसी हो गई है जो एक विशाल पेड़ बन चुकी है, इसकी जड़ पे काम करना होगा। ऐसी समस्याएं तब आती हैं, बच्चे दुकानों पे कर्तव्य करते हुए या भीख मांगते तब नजर आते हैं, जब एक तो इन बच्चों का कोई माता पिता जो है उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, जिस कारण इनके कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं बन पाते, राशन कार्ड इत्यादि किसी भी प्रकार से। दूसरी बात यह है कि कुछ माफिया लोग भी होते हैं जो इनसे ऐसे काम कराते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि बहुत बार खुलासे होते हैं, आप ही लोग खुलासे करते हैं कि जो है माफिया बच्चों से भीख मंगवा रहे थे, उनको विकलांग करके, उनको अपाहिज करके, और इनको छोटी छोटी उम्र में जो है नशे की लत लगा दी जाती है। संगीता जी अक्सर देखने को मिलता है, आप जहाँ लाइट चौराहे पे खड़े हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे एक नशा करते दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं कि त्रिलोचन का नशा करते हैं। इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों को क्या होना चाहिए, प्रशासन को पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए? इन बच्चों को सबसे पहले तो एक मोटिवेशनलर की जरूरत है जो इनको मोटिवेट करे, इनको सही मार्गदर्शन दिखाए, और इस ओर प्रशासन को भी गंभीरता से कार्य करना चाहिए। जिस तरह से जो है अन्य योजनाओं पे सरकार पैसा खर्च करती है, इसी तरह इन बच्चों के लिए भी एक योजना के तहत कार्य होना चाहिए, लेकिन योजना ऐसी बननी चाहिए जिससे इन बच्चों तक लाभ पहुंचे, क्योंकि अभी तक देखा जाता है कि योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में इनके लिए बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है अगर हमें अपने देश के युवा। इसके लिए आप दोषी किसको मानती हैं कि योजनाओं का लाभ लोगों तक अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसका दोष आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सरकारें तो बहुत काम करती हैं, सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लाती है, लेकिन जो बीच में कुछ छुटपुटिया अधिकारी होते हैं या दलाल टाइप के लोग होते हैं, ये जो है अंतिम पंक्ति के तक के व्यक्ति तक जो है योजना का लाभ नहीं पहुंचने देते, अपने स्वार्थ के लिए जो है उसको अपने अनुसार तोड़ मोड़ जोड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर खान। आमिर खान जी, ये बच्चों को लेकर एक मूवी चलाई जा रही है न्यूरो इंडिया की तरफ से, इसमें आपका क्या कहना है? जो बच्चे खेल तमाशे करते हैं,
भीख मांगते हैं, सड़कों पर घूमते हैं। आज हम और आप देख रहे हैं कि लगातार इलाइट चौराहा जो प्रमुख चौराहा है, यहाँ पे आसपास बस्तियों में इस तरीके के बच्चे हैं और जिनका शासन प्रशासन की ध्यान नहीं दे रहा, शिक्षा को लेके बराबर दावे हो रहे, स्कूलों में इनको ले जाया नहीं जा रहा। सबसे बड़ी कमी है समाज सेवी संस्थाओं की, चाहे वो संस्था जन्मदिन के नाम पे, किसी के जयंती के नाम पे इन गरीब बच्चों तक जाती है, फोटो खिंचाती है, तमाशा करती है, अखबारों और चैनलों पे, टीवियों पे न्यूज चलवाती है, उसके बाद दूसरे दिन इन बच्चों का किसी को ध्यान नहीं रहता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आए कुछ काम करने के लिए, ना कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, और इन बच्चों के लिए शासन प्रशासन व्यवस्था करे। कहीं रस्सियों पर चलना तो कहीं होटलों में जूठे बर्तन धोना, कहीं दुकानों पर काम करना उनकी मजबूरी बन गई है। ऐसा ही एक नजारा मऊरानी में देखने को मिला, जहां कोटा राजस्थान से पेट को दो वक्त की रोटी के लिए दर दर शहर जाकर चार बच्चे खेल तमाशे दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।